हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम आर जैन पब्लिक स्कूल क्लासेस, टुडे वी विल स्टार्ट आर नेक्स्ट यूनिट इन फ्रंट ऑफिस द यूनिट नेम इज़ इंट्रोडक्शन द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री सो लेट स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट पॉइंट देखिए इस ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो ओल्डेस्ट वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कमर्शियल एक्टिविटीज में से एक है इन फैक्ट ये बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है किस टाइप की चीजें लाइक like, ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है मोड्स ऑफ ट्रैवल अकोमोडेशन फूड ड्रिंक्स रिक्रिएशन एक्टिविटीज एंड अदर फैसिलिटीज फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक फ्रंट ऑपरेशन देखिए फ्रंट ऑफिस के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं और प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं फ्रंट ऑफिस एक रोल प्ले करता है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में नेक्स्ट पॉइंट है फ्रंट ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग आउट द फ्रंट ऑफ द हाउस फंक्शंस एंड सर्विस एज वी सॉरी एज अ कॉन्टेक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड गेस्ट अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे गेस्ट साइकिल एंड रिलेशन पढ़ेंगे फ्रंट ऑफिस फंक्शंस का गेस्ट साइकिल्स में देखिए क्या है गेस्ट सर्विसेज इंक्लूड होती हैं प्री अराइवल अराइवल ऑक्यूपेंसी डिपार्चर देन गेस्ट अकाउंटिंग रिजर्वेशन रजिस्ट्रेशन ऑक्यूपेंसी सर्विस चेकआउट एंड दिस्ट्री ये पूरा गेस्ट साइकिल है जब हमें किसी रूम को बुक करना होता है या हमें कहीं पर स्टे करना होता है अकोमोडेशन के लिए तो हमें क्या क्या प्रोसीजर क्या क्या स्टेप को फॉलो करना होता है देन इसी में है फ्रंट ऑफिस फंक्शन इसमें है स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट चार्ज पोस्टिंग नाइट ऑडिट एंड सेटलमेंट देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिजर्वेशन अब हम किसी रूम को रिजर्व किस तरीके से करेंगे रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या होता है देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ द रिजर्वेशन प्रोसेस इज हैविंगली गेस्ट रूम रेडी और मतलब जो रिजर्वेशन कर रहे हैं हमें रूम जो हमने रिजर्व किया है वो रेडी है हमारा रिजर्व हो चुका है या वो रूम जिस रूम जिस टाइप का हमें चाहिए वो वेटिंग में है तो रिजर्वेशन इंक्वायरी होगी रूम्स रेट की अवेबिलिटी रिजर्वेशन रिकॉर्ड होगा होता है प्रॉपर किया जाता है वो रिकॉर्ड एक रिप और एक रिपोर्ट रेडी की जाती है रिजर्वेशन से रिलेटेड अब देखिए रिजर्वेशन मेनली तीन टाइप की होती है फर्स्ट है टेंटेटिव रिजर्वेशन 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 एंड एंड वेट लिस्टेड में भी दो पार्ट है गारंटिड एंड नॉन गारंटेड टेंटेटिव रिजर्वेशन कौन सी होती है टेंटेटिव रिजर्वेशन में हम रिक्वेस्ट करते हैं रूम के लिए और गेस्ट को वो रूम रिसीव हो जाता है जिस डे उन्हें अराइवल करना होता है और वो रूम ब्लॉक हो जाता है मीन्स वो रूम अब बुक हो चुका है जब आपका एक टाइम पीरियड है जिस डे आपने वो के लिए वो बुक किया है आप उस दिन जाके वहाँ पर कर सकते हैं वेट लिस्ट रिजर्वेशन में क्या होगा जिस टाइप के रूम की हमें नीड है अगर वो रूम अवेलेबल नहीं होता तो उसे वेटिंग में रख दिया जाता है लेकिन ये जो वेटिंग वाला रूम होता है ये गारंटेड नहीं होता इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा देन नेक्स्ट है हमारा कन्फर्म रिजर्वेशन इसमें दो होंगे गारंटेड और नॉन गारंटेड अगर गेस्ट ने पे कर दिया गारंटेड है यानी कि रूम हमारा रिजर्व हो चुका है गेस्ट की साइड से क्योंकि हम पे कर चुके हैं नॉन गारंटीड में हम जिस हमने रूम तो रिजर्व कर दिया लेकिन हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं तो वो नॉन गारंटी यानी नॉन गारंटी क्यों क्योंकि हम उसे कैंसिल कर चुके हैं तो कंफर्म रिजर्वेशन में ये दो स्टेप हैं देन प्रोसेस क्या होता है रिजर्वेशन का देखिए हम आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें रिजर्वेशन का प्रोसेस है कम्युनिकेट करते हैं होटल से फॉर्मुलेट करते हैं रिजर्वेशन रिक्वेस्ट से रिलेटेड रिजर्वेशन एक्सेप्टेंस है एक्सेप्ट की गई है या नहीं की गई है कन्फर्मेशन नोटिफिकेशन हमें मिलेगा होटल्स के थ्रू या जहां भी हम स्टे करने जा रहे हैं उसकी साइड से मॉडिफिकेशन इन द प्री अराइवल एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस आइडेंटिफिकेशन कैसे देखिये हम टू टाइप से नॉर्मली टू टाइप से रिजर्व करते हैं कैसे एक तो इसमें एफ होगा और एक ग्रुप होगा एफ मतलब फ्रीली इंडिपेंडेंट ट्रेवल्स होते हैं जो रूम बुक करते हैं और एक एसोसिएटेड ट्रेवल्स होते हैं जैसे जो कि ग्रुप्स के ग्रुप्स के लिए रूम बुक किए जाते हैं अब ये जो एफ होते हैं ये किसके लिए इंडिविजुअली होते किसके लिए करेंगे अपनी फैमिली और अ कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट मी स्टिल टू टर्म द टी यानी कि फैमिली के लिए और एक अगर फ्रेंड्स का कलेक्शन फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहा है वो मतलब इंडिविजुअली हम उसे रिजर्व कर रहे हैं रूम को हम किसी के थ्रू रिजर्व नहीं कर रहे यहाँ पर कोई हमारा मीडिएटर नहीं है इवन अगर हम ग्रुप टूर में देखते हैं अगर हम ग्रुप की रिजर्व कर रहे हैं थ्रू ग्रुप्स के लिए रिजर्व कर रहे हैं रूम तो यहाँ पे एक मीडिएटर को भी हम मीडिएटर uh, भी होता है जो हमारे लिए रूम रिजर्व करेगा वेन द मीटिंग ग्रुप जैसे कि मीटिंग है मीटिंग ग्रुप के लिए जाना है कन्वेंशन ग्रुप है लाइक द सीकिंग गेस्ट रूम स्पेस इन द होटल दिस टाइप रिक्वेस्ट आर रेफर टू अ ग्रुप रिजर्वेशन तो ये ग्रुप रिजर्वेशन होती हैं तो ग्रुप रिजर्वेशन डिफरेंट होती है एफ से ग्रुप रिजर्वेशन कोऑर्डिनेट इसमें कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व होता है ग्रुप ग्रुप जो होते हैं जो किसी जो स्टे करने के लिए जाते हैं उन्हें पिक भी किया जाता है बाकी ने फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं वो चार्जेस के अंदर इंक्लूड होते हैं बट द स्पेशल रूम रेट इनके जो रूम रेट होते हैं वो स्पेशल होते हैं क्योंकि इन्हें जिस तरीके की नीड्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी इसी के अंदर रेट्स और इनकी रिक्वायरमेंट इंक्लूड की जाती हैं तो ग्रुप रिजर्वेशन टिपिकली रिक्वायर्ड अ ब्लॉक ऑफ अ रूम बी इनिशिएटली रिजर्व फॉर अ ग्रुप विदेसिफिकुड बी नोटेड इफ अ ग्रुप डज नॉट है रिजनेबल डेट मोस्ट होटल्स विज रिलीज द अनकमिटेड रूम्स फ्राम द ग्रुप ब्लॉक्स एफ आई टी रिजर्वेशन तो इसमें दो चीजें हमने मेनली पढ़ी फर्स्ट ऑफ ऑल गैस साइकिल एंड फ्रंट फंक्शन और नेक्स्ट रिजर्वेशन और इसके प्रोसेस और रिजर्वेशन में भी मेन दो चीजें पढ़ी कौन कौन रिजर्व करते हैं यानी कि फोरन इंडिपेंडेंस ट्रेवलर जो होते हैं या सेकेंड ग्रुप टूर जो होते हैं इनके लिए रूम बुक किए जाते हैं और किस तरीके से बुक किए जाते हैं तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है नेक्स्ट पार्ट आगे नेक्स्ट पार्ट में हम अपने चैप्टर का हाफ पार्ट कंटिन्यू करेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे